चलिए स्टूडेंट, तो आज के वीडियो में हम आज से एक नया चैप्टर प्रोजेक्शन शुरू करेंगे, क्योंकि प्रोजेक्शन थ्योरी में हम देखते हैं कि बहुत से स्टूडेंट को बहुत सारी परेशानियां आती हैं, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग प्रोजेक्शन। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रक्षेप। प्रक्षेप इसको क्या बोलते हैं? प्रक्षेप। अब चलिए ड्राइंग के माध्यम से हम आपको बताते हैं। एक क्वेश्चन आता है दिमाग में कि प्रोजेक्शन क्या है, व्हाट इज प्रोजेक्शन। जैसे ही हम इस शब्द का यूज किया प्रक्षेप, सोचते होंगे कि प्रोजेक्शन क्या होता है। चलिए ड्राइंग के माध्यम से आपको समझाते हैं। चलिए इस ड्राइंग के माध्यम से आपको देखिए। सबसे पहले प्रोजेक्शन में हम आपको 3D 2D समझा देते हैं। 3D का मतलब होता है थ्री डायमेंशन, और 2D का मतलब होता है 2D। थ्री डायमेंशन में जिसका L, B और H तीनों हो, और 2D में जिसका या तो LH हो या फिर BH हो या फिर HB हो, तो LB हो, तो इसी को हम लोग 3D और 2D बोलते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रोजेक्शन होता क्या है, हम एक 3D ऑब्जेक्ट को देख के, मान लीजिए कि हम क्या है, हम एक 3D ऑब्जेक्ट है, मेरे पास एक अच्छी हाइट है, एक चौड़ाई है और एक ऊंचाई है, यानी LBH मेरे पास तीनों है, तो हमको देख के, कोई हमको देख के और मेरा फ्रंट व्यू में जितने भी फीचर्स दिख रहे हैं, फीचर्स आप लोग समझते हैं, फीचर्स मतलब मोबाइल फोन में क्या क्या फीचर्स होते हैं, जैसे कि उसमें ब्लूटूथ होता है, कैमरा होता है, वैसा मल्टीमीडिया होता है, हेडफोन होता है, तो ये सब फीचर्स होते हैं। तो एक 3D ऑब्जेक्ट को देख के उसका जो प्रतिबिंब हमारे रेटिना पे बनता है, उसको एक 2D पेपर में बना डालते हैं, यही पूरा थ्योरी प्रोजेक्शन कहलाता है। जैसे देखिए ये क्या है, ये 3D ऑब्जेक्ट है, इसका एक L है, एक B है और एक H है, तीनों है इसमें। यहां से एक आदमी इसको देख रहा है, यहां से एक आदमी इसको इधर से देख रहा है, और इसके सामने से जो भी फीचर्स हमको दिख रहे हैं उसको इस प्लेन पे ऐसे ड्रॉ कर दिया। क्या किया आदमी ने, इस 3D ऑब्जेक्ट को देखा और इस 3D ऑब्जेक्ट के सामने से जो भी फीचर दिखा उसको एक सादे पेज पे, यानी 2D मीडिया पेपर पर रिप्रेजेंट करके दिखा दिया, तो इसी को पूरा क्या बोलेंगे हम लोग, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्लियर हो गया। चलिए एक बार फिर हम आपको रिमाइंड कर देते हैं प्रोजेक्शन के बारे में, कि अगर हम किसी 3D ऑब्जेक्ट को देख और उसके सामने से या पीछे से या ऊपर से नीचे से जो भी फीचर्स हमको दिख रहे हैं, उन फीचर्स को एक 2D मीडिया पेपर पे अगर रिप्रेजेंट करके दिखला देते हैं, उसी को हम प्रोजेक्शन बोलते हैं। देखिए सबसे पहले टाइप ऑफ प्रोजेक्शन पढ़ते हैं। प्रोजेक्शन के तो बारे में पता चल गया,
टाइप ऑफ प्रोजेक्शन की बात की है, सबसे पहले पढ़ते हैं प्रोजेक्शन के लिए क्या क्या होना जरूरी होता है। अब हम प्रोजेक्शन का डेफिनेशन जो आपको दिए हैं इतना देर तक पीछे में, उस हिसाब से प्रोजेक्शन के लिए तीन चीज जरूरी है। क्या क्या? सबसे पहले तो ये आदमी जरूरी है, सबसे पहले तो ये जरूरी है आदमी जो कि ऑब्जेक्ट को देखेगा। तो देखने वाला को हम बोलेंगे ऑब्जर्वर, इसको क्या बोलेंगे? ऑब्जर्वर। और सेकंड स्थान पे वो चीज जरूरी है जिसको हमको देखना है, जैसे कि ऑब्जेक्ट। तो ये आदमी किसको देख रहा है? इसको। ये क्या है? ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक। और थर्ड नंबर पे वो चीज जरूरी है कि इसको, ये आदमी इस ऑब्जेक्ट को देख के इसको जिस पेपर पर रिप्रेजेंट करता है। अगर हम किसी 3D ऑब्जेक्ट को देख के उसको 2D मीडिया पेपर पर रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे जैसे ये एक 3D ऑब्जेक्ट है और इस 3D ऑब्जेक्ट को हम देख के ऐसे इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी है, लेकिन एक बात में हम इसके एक ही प्लेन को देख सकते हैं। जैसे कि हम इधर से देखें, इधर से देखें तो हमको यहाँ पे 2 होल दिखा, और इस 3D ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया? इस पेपर पे ऐसे रिप्रेजेंट करके दिखा दिया। तो हम हो गए ऑब्जर्वर, ये हो गया ऑब्जेक्ट, और जिस पेपर पर हमने इसका फ्रंट व्यू बनाया वो हो गया प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। क्लियर? जैसा देखिए हम इसका एक 3D व्यू बनाते हैं, क्लियर। अब हम मान लीजिए कि ये वाला भाग ये है, इसके बीच में यहां पे 2 होल है, यहां पे 2 होल है। अब हमने क्या किया कि इस 3 ऑब्जेक्ट को देखा, यहां से ऐसे देखा और इस साइड से देखा। सबसे पहले देखिए देखने का एक रूल है, अगर ये 30 डिग्री के एंगल पे रखा हुआ है और हमको इसके इस पार्ट्स को देखना है, इस प्लेन को देखना है, तो या तो हम इसकी तरफ चले जाएंगे ऐसे, या फिर इस फिगर को हम अपनी तरफ ऐसे घुमा लेंगे। या तो आप ऑब्जेक्ट के सामने जाएंगे या फिर ऑब्जेक्ट आपके सामने आएगा, जैसे इस कुर्सी पर समझ ये जो चेयर है, अगर हमको इसके इस पार्ट को देखना है तो हम क्या करेंगे? या तो हम इसको इधर से आके देखेंगे या फिर इस कुर्सी को घुमा लेंगे। यही 2 रूल है और कोई तीसरा रूल है नहीं। चलिए तो ऑब्जर्वर ने ऑब्जेक्ट को देख के और उसका फिगर जिस प्लेन पे बनाया उसको बोलेंगे हम प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। जैसे देखिए उसको मिटा देते हैं हम, यहां पे फिर ऐसा ही एक चीज ड्रॉ करते हैं, कुछ ऐसा देखेगा, इसको बोलेंगे हम क्या? प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। तो आपने क्या क्या समझा? टाइप सबसे पहले आपने प्रोजेक्शन के बारे में जानकारी ले ली, प्रोजेक्शन किसे कहते हैं, प्रोजेक्शन के बेसिक एलिमेंट।